तुम परास्त हुए भीम। संविदा के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा, परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। नहीं पुरुष मृग जी, अब आप मुझे तो क्या किसी को अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं परास्त नहीं हुआ। देखिए, मैं महल की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ, भीतर हूँ मैं। नहीं, तुम स्वयं को भीतर देख रहे हो जबकि मैं तुम्हें बाहर देख रहा हूँ। अभी भी तुम बाहर ही माने जाओगे। नहीं पुरुष मृग जी, मैं आधा भीतर हूँ और आधा बाहर। मैंने अपनी महल की सीमा को स्पर्श कर लिया है, अतः अब यदि आप मुझे भोजन बनाएंगे तो ये अन्यायपूर्ण होगा, अधर्म होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि ये अन्याय है, अन्याय तुम्हारे ही भ्राता न्यायमूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर करेंगे। वही ये निर्णय लेंगे कि तुम पर मेरा अधिकार बनता है या नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, आपके भ्राता भीम इंद्रप्रस्थ से बाहर है या भीतर, क्या आप इस विषय में निष्पक्ष निर्णय करने के लिए प्रस्तुत हैं? तो प्राण बल्लभ, ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को तो धर्मराज का अंश मानते हैं, तो क्या वो निष्पक्ष निर्णय ले पाए? और फिर हनुमान ने आगे क्या किया? प्रिय, सब बताता हूँ। स्पर्धा के नियम एवं समस्त वस्तु स्थिति को जानने के पश्चात युधिष्ठिर भी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्णय ले। क्या विचार कर रहे हैं युधिष्ठिर जी? आप धर्मराज हैं, आशा है आप उचित ही न्याय करेंगे। ना जाने क्या निर्णय देंगे धर्मराज युधिष्ठिर। मेरा भाई मुझे प्रिय है, मैंने ही इसे भेजा था स्वर्ग आपको इंद्रप्रस्थ लाने के लिए। किंतु न्याय की दृष्टि में प्रिय अप्रिय, अपना पराया सब एक समान है, क्योंकि भीम के शरीर का आधा भाग महल के अंदर और आधा भाग महल के बाहर। अतः न्याय के अनुसार भीम की आदि देह पर पुरुष मृग का अधिकार माना जाएगा। ये कैसा निर्णय सुना दिया है युधिष्ठिर? किंतु बड़े भैया, यदि पुरुष मृग ने भीम भैया के आधे देह को खा लिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं अर्जुन, बड़े भैया के निर्णय पर आक्षेप लगाना अनुचित है। भैया, आपका निर्णय मेरे लिए आदेश है जिसका पालन अवश्य होगा। हे पुरुष मृग, हे धर्म के पथ पे चलने वाले महान शिव भक्त, आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। न्याय के अनुसार मेरी देह का आधा भाग आपको समर्पित है। ये तुमने क्या किया भीम? परिणाम जो भी हो, किंतु तुम्हारी न्याय प्रियता प्रशंसनीय है। तुम्हारी देह जितनी सुदृढ़ है, तुम्हारा हृदय उतना ही कोमल। मैं तुम्हें अपनी संविदा से मुक्त करता हूं। तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर ने निष्पक्ष होकर न्याय किया है, और भीम, तुमने भ्राता के निर्णय को आदेश मानकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्वयं को समर्पित किया। तुम पांडवों जैसे धर्मपथ के अनुयायियों की इस संसार को बहुत आवश्यकता है। तुम मृत्यु के नहीं अभय के अधिकारी हो। आपका बहुत बहुत आभार पुरुष मृग जी। यदि आप हम पर प्रसन्न है तो मेरे बड़े भैया की इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने पावन चरणों के स्पर्श से हमारे इस महल को पवित्र कर दीजिए। इंद्रप्रस्थ पुरुष मृग प्रवेशा,
पांडव सकल उल्लास वहर्षा परिक्रमा जो नगर लगाई अलौकिक ऊर्जा सब दिशा छाई। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हमारी कर्मभूमि महल पर कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुरुष मृग जी। आप सबकी सदैव जय हो, किंतु मैं इस प्रकार नहीं जाने वाला यहाँ से। अब क्या चाहिए इन्हें, कहीं पुनः कोई असंभव कार्य तो नहीं बता देंगे ये? भीम, मुझे ज्ञात है हमारी स्पर्धा में तुम्हारी सहायता किसी और ने की है, इसलिए कहीं ये पुनः नहीं। अब जो भी हो, मैं किसी भी परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हूँ। जिनके कारण ये संभव हुआ, मैं उन महाबली के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि वो हस्तक्षेप नहीं करते तो मार्ग में ही तुम मेरा आहार बन चुके होते। वही मेरे मार्ग में बार बार शिवलिंग उपस्थित करते, मुझे तुम तक पहुँचने से रोक रहे थे। ये आप किसके विषय में बात कर रहे हैं पुरुष मृग जी? वही जो जगत के संकट मोचन है, जिन्होंने भीम को इस संकट से उबारा। संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सत्य कह रहे हैं बड़े भैया। स्पर्धा के आरंभ में ही ये कई बार मेरे निकट आ गए थे। मैं तो आरंभ में ही इनका भोजन बन जाता, किंतु हनुमान जी ने बार बार इनके मार्ग में शिवलिंग स्थापित कर दिया और कोई भी महान भक्त अपने भगवान की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता, और ये तो शिवजी के महान भक्त हैं। अतः इन्हें बारंबार शिवजी की पूजा के लिए रुकना पड़ा। भीम, उन महाबली हनुमान के दर्शन करा के मेरा जीवन धन्य कर दो। हे संकट मोचन, हे महाबली हनुमान, हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए प्रभु। प्रणाम हनुमान जी। आपने हम पांडवों पर कृपा की, आपको कोटि कोटि नमन हनुमान जी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुरुष मृग जी, आप जैसे महान शिव भक्त के दर्शन तो मैं भी करना चाहता था, क्योंकि श्रेष्ठ भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। आपने बारंबार शिवलिंग उपस्थित करके मुझे मेरे प्रभु की बार बार पूजा करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको शत शत धन्यवाद। आप भी यहाँ तक आए, अपने चरणों से इंद्रप्रस्थ को पवित्र किया, इसके लिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। सत्य तो ये है, इस महल में पवित्रता भक्त शिरोमणि हनुमान जी के पावन चरणों के कारण ही आई है। इनकी जिस पर कृपा हो, उसे सदैव विजय की प्राप्ति होती है। मुझे दर्शन देने के लिए आपको धन्यवाद हनुमान जी। हे महान राम भक्त, हे संकट मोचन हनुमान, आपने मेरे अनुज भीम को विकट संकट से उबारा, इनकी रक्षा की। आपका ये उपकार हम पांडव कभी नहीं भूलेंगे। हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन भक्त होगा जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं होगा। प्रणाम प्रभु श्री राम। वर्षों से तरसते इन नेत्रों को आज आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरे श्री राम। आपके श्री कृष्ण रूप में भी सदैव हनुमान ने आपको राम के रूप में ही क्यों देखा? प्रिय, भक्ति की पराकाष्ठा होती ही ऐसी है। हनुमान ने अपने हृदय में मेरे श्री राम रूप को बसाया हुआ है,
और जब कोई सच्चा भक्त किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखता है जिसके प्रति उसके मन में अपने प्रभु के भांति ही श्रद्धा हो, तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु में ही अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त पत्थर में भी अपने भगवान को देख लेता है। इसीलिए उस दिन पांडव मुझे श्री कृष्ण के रूप में देख रहे थे, किंतु हनुमान को मैं श्री राम के रूप में दिखाई दे रहा था। हनुमान, अच्छा है कि आप पांडव बंधुओं के साथ हैं। आप जिनके साथ होते हैं बल, विवेक और सफलता का वरदान उन्हीं के साथ होता है। प्रभु, जिनके साथ आप स्वयं हो उन्हें भला किसी और वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, क्या आप भूल गए? श्री राम को भी हर कार्य में आप ही की आवश्यकता थी। प्रभु, अब मैं क्या कहूँ? आप तो अपने इस तुच्छ से भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार श्री राम ने तुम्हारी सहायता से राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार पांडवों एवं मुझे भी अधर्मियों के विनाश के लिए भविष्य में होने वाले महायुद्ध में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। हनुमान, प्रभु, धर्म पथ के पथिकों की सहायता के लिए हनुमान सदैव तत्पर रहा है और सदैव रहेगा। भीम, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। धर्म युद्ध में तुम्हारी रणहुंकार की प्रचंडता में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तुम्हारी हुंकार शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देगी। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरा आशीर्वाद है आप सबको। युद्ध के अंत तक भी आप सभी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। मेरी शक्ति से आप सदैव रक्षित रहेंगे। अर्जुन, धर्म युद्ध के समय तुम्हारे रथ की पताका में उपस्थित रहकर तुम्हें हर संकट से रक्षित करूंगा। प्रभु, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं अपने दिए हुए वचन को भली भांति निभा सकूं। हनुमान, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। आश्चर्य है स्वामी, अर्जुन की रथ पताका में स्थिर रहकर भी हनुमान ने पांडवों की सहायता कैसे की? इस प्रकार तो वो एक सिर्फ मार्गदर्शक बने रहे होंगे। और क्या हनुमान ने उस महायुद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेकर पांडवों की सहायता की थी? सक्रिय तो हनुमान आरंभ से अंत तक थे प्रिय, किंतु कपी ध्वज के रूप में। और इस सत्य का पता अर्जुन को भी युद्ध की समाप्ति के बाद ही पता चला। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बधाई हो पार्थ, अब रथ से उतर जाओ। यह हमारा विजय रथ है माधव, इसी पर आरूढ़ होकर हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए। नहीं धनंजय, अब ये रथ इस योग्य नहीं रहा, अतः यही उतरना होगा तुम्हें इस रथ से। अपने इस विजय रथ के अंतिम दर्शन करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं माधव? कुछ तो रहस्य है इसमें। आपने हम सभी का बहुत साथ दिया है, अब आप भी इस रथ को त्याग दीजिए। संकट मोचन हनुमान। तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्रों के प्रभाव से जल चुका था। सहस्त्रों प्रचंड एवं शक्तिशाली अस्त्र प्रतिदिन तुम्हारे रथ से टकरा रहे थे, जिनके वार से तुम्हारा रथ तो कब का ध्वस्त हो चुका होता। किंतु हनुमान आरंभ से ही उन अस्त्रों के समक्ष ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करते रहे। इसलिए उनके हटते ही तुम्हारा रथ नष्ट हो गया।
हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपने हम सबको सहस्त्रों संकटों से रक्षित किया है। हम पांचों पांडव आपके सदैव आभारी रहेंगे। साथ खड़े माधव हनुमाना, पांडव भाई करे परनामा। सदैव विजयी भव। महावीर सहाय, आशीष मुरली धर बरसाए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने पुनः अधर्म का नाश करने के लिए हम सबकी सहायता की। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से उसके कष्टों का नाश होगा। प्रभु, आपकी कृपा का पारावार नहीं है। आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी एवं तुम्हारे भक्तों की सदा जय हो हनुमान। जय श्री राम। कुरुक्षेत्र का ये भीषण संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुआ था, जब तक संकटमोचन हनुमान पांडवों के साथ उनकी पताका में उपस्थित रहे। तब तक पांडवों को हर अनिष्ट से उन्होंने रक्षित किया, हर संकट के समक्ष ढाल बनकर उन्हें बचाया। किंतु संकटमोचन के युद्ध भूमि से गमन करते ही एक प्रचंड संकट ने पांडवों की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था। उस प्रचंड संकट का नाम था अश्वत्थामा, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। नहीं दुर्योधन, नहीं, तुम्हारी ये दशा नहीं देख सकते हम। अश्वत्थामा दुर्योधन का गुरु भ्राता ही नहीं, परम मित्र भी था। महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय और उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, और उस अग्नि में घृत डालकर उसे भड़काने का कार्य किया अंतिम श्वास लेते दुर्योधन के संवादों ने। मुझे उस दिन सबसे अधिक दुख हुआ था जिस दिन गुरुदेव द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। तुम्हारे हृदय की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ मित्र, किंतु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं पर गर्व किया जाता है, दुख नहीं। वीर गति नहीं मित्र, वीर गति नहीं, छल के साथ वध किया गया था उनका, पांडवों ने किया था यह छल। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था, गुरुदेव द्रोणाचार्य का साहस तोड़ने के लिए तुम्हारे वध की मिथ्या सूचना दी गई थी पांडवों द्वारा। ये सुनने के पश्चात गुरुदेव ने अस्त्र शस्त्र रख दिए। उस दुष्ट दृष्ट द्युम्न ने गुरुदेव का वध कर दिया। नहीं, 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 पिताश्री, पांडवों के छल का भयंकर परिणाम भोगना होगा। मित्र दुर्योधन, शपथ है मुझे कि तुम्हारी अंतिम श्वास से पूर्व मैं अश्वत्थामा पांडवों को उनके वंश के साथ ही समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि में पांडवों को जलना होगा, जलना होगा। प्रतिशोध की ज्वाला जब धधकती है तो मनुष्य को राक्षस बनते समय नहीं लगता, वही अश्वत्थामा के साथ भी हुआ। मदांध अश्वत्थामा सीधा पांडवों के शिविर जा पहुंचा, जहां भीषण युद्ध से क्लांत हुए पांडव बेसुध होकर निद्रा मग्न लेटे हुए थे। मेरे पिताश्री का छल से वध करने वाले पांडवों, सुख के निद्रा में मग्न हो, तुम्हारी सुख की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। प्रतिशोध की भावना से किया गया कार्य प्रतिद्वंदी के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए घातक हो सकता है।